देखिए, गुज़िश्ता दिनों के पहले इसी जगह पे जहां हम खड़े हुए हैं, यहीं पे एक दुर्घटना घटी थी। कहां गया बच्चा? और इनके भाई जाहिद भाई ना, जाहिद अंसारी साहब का मरहूम, जो इस वक्त हमारे बीच नहीं है, उस गाड़ी से जो कंटेनर आया था वो चला गया था नीचे, और वो उसके नीचे आ गए थे, उसके जरिए जो भी हादसा हुआ उनका इंतकाल हो गया। एक दूसरे भाई थे लाल मोहम्मद भाई का भी इसी दुर्घटना में उनका भी इंतकाल हो गया था। इसे जो हम लोग खूनी बाईपास का नाम दिए हैं, उसका रीजन ये है कि अब तक इसने, इस खूनी बाईपास ने 118 लोगों की जान ले ली है शानू भाई, तकरीबन मेरे ख्याल से इतने लोगों की जान ले ली है। उसका रीजन ये है कि एमएमआरडीए पूरी तरीके से फेलियर है। उनको जो सुरक्षा दीवार बनाना चाहिए था उन्होंने बनाया नहीं, उन्होंने एसएमसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। कहीं ना कहीं एसएमसी कंपनी तो खैर सिर्फ बिल निकालने के लिए काम करती है शानू भाई, जहां तक मैंने समझा, आप तो अपोजिशन लीडर हैं, आप ज्यादा समझते हैं मुझसे इस मामले में, कि बिल विल निकालने के मामले में, तो उन्होंने सिर्फ बिल वाला काम किया है, पैसे वाला काम तो नहीं, काम वाला काम नहीं किया। जब उनका इंतकाल हुआ था उस वक्त हम लोगों ने इस परिवार को वादा किया था, आश्वासन दिया था कि हम लोग यहां पे सुरक्षा दीवार बनवाएंगे, ब्रैकेटिंग वाल लगवाएंगे, जिससे आने वाले वक्त में कभी दोबारा ऐसी दुर्घटना ना हो और कोई हमारा भाई मरहूम जाहिद भाई ना बने। मुझे आज भी याद है, जब मैं आपके घर पे गया था तो उनके 5 मासूम छोटे छोटे बच्चे, 1 लाख रुपए का मुआवजा भी ट्रस्ट की जानिब से दिया गया था। हमारे बड़े भाई एक राज्य मंत्री सैयद अली अशरफ भाई साहब ने भी 50,000 का मुआवजा दिया था, लेकिन उसके बाप को कौन लौटाएगा, उन बच्चों के वालिद को कौन लौटाएगा, उस परिवार को इंसाफ कैसे मिलेगा? उसके लिए हम लोगों ने शानू भाई और एक मांग किया था कि उस परिवार के लोगों को कलेक्टर साहब की जानिब से मुआवजा मिलना चाहिए। एसएमसी कंपनी जो सिर्फ बिल पास करा करके पैसा लेने वाला काम बैंक में करती है, उसको मुआवजा देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, अभी जो ये था कि बारिश चल रहा है, तूफानी बारिश चल रही है, फिर कहीं पे कोई गाड़ी ना गिरे, कहीं कोई हादसा ना हो। रेहान भाई मुकामी यहाँ के नगर सेवक है, यहाँ कमरुल हुदा है, ये सब जो हमारे यहाँ के जो मुकामी नगर सेवक लोग भी है, इनका ये कहना था कि भाई अगर उस दिन हम लोगों ने यहां से हॉकर्स को हटाया नहीं होता 2 दिन के पहले, तो शायद 2 लोगों की मौत नहीं, शायद वहां पे 20 लोगों की मौत हुई होती शानू भाई। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ के नीचे की पोजीशन क्या है, यहाँ बेचारे गरीब लोग हाथ गाड़ी लेकर के अपना सब्जी फल फ्रूट बेचते हैं, डेली का पेट पालने वाला काम करते हैं बच्चों के लिए अपने, लेकिन अल्लाह का एहसान है वो हादसे से हम बच गए। हम लोगों ने इन हालात को देखा और देख करके 2 दिन के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि अगरचे 2 दिन में काम चालू नहीं हुआ तो 18 तारीख को जन आक्रोश आंदोलन किया जाएगा। मैं मुमरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अनिल सिंधे साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि अनिल सिंधे साहब ने तत्काल में एमएमआरडीए की मीटिंग बुलाई, जिसमें थाने महानगर पालिका के दोनों दीवा और मुमरा के एएमसी भी मौजूद थे। उस मीटिंग के दौरान यह तय हुआ कि एसएमसी कंपनी कल से काम चालू करेगी, और मैं आज शुक्रिया अदा करता हूं कि आज अभी हम लोग यहां खड़े, कहां है कॉन्ट्रेक्टर, कहां है ओ काका, जरा यहां खड़े रहिए आप, यहां खड़े मात्रे साहब, आप किस कंपनी से काम करने आए हैं? एसएमसी। बहुत खुशी की बात है कि कम से कम एसएमसी कंपनी ने आज मात्रे साहब को भेजा है, हमारी कोई एसएमसी कंपनी से पर्सनल नहीं है, लेकिन हाँ कहना चाहता हूं, अगर थूक लगाने वाला काम किया तो नहीं चलेगा। मात्रे साहब ने बताया अभी कि मजबूत काम करेंगे हम लोग, स्ट्रांग काम करेंगे, आज तकरीबन 50 लेबर लगा दिया है लोगों ने काम के लिए, अच्छी बात। अभी जस्ट सीनियर साहब यहाँ आए थे, अनिल सिंधे साहब,
उन्होंने खुद विजिट किया और हम लोगों से पूछा, शानू भाई हमारे बड़े भाई गुंजन सेठ यहाँ मौजूद है, रेहान भाई, सब लोग तमाम, जबर सैयद साहब, शोएब भाई, सबसे हमारा जो डेलीगेशन है उनके साथ बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि भाई अभी जब काम चालू हो गया है तो कल का प्रोटेस्ट के बारे में क्या आपका ओपिनियन है। तो हम लोगों ने मशवरा किया, शानू भाई ने कहा कि भाई जब काम स्टार्ट हो गया है तो अब हम लोग इसको पोस्टपोन कर देते हैं और जब काम कंप्लीट हो जाएगा फिर आप पत्रकार भाइयों को बुलाएंगे। मात्रे साहब, हाँ सर, डेली विजिट करेंगे हम लोग, करिए ना सर, डेली विजिट करेंगे, करिए ना, डेली विजिट करेंगे, काम को देखेंगे, काम अगर अच्छा है तो मात्रे साहब वादा करता हूँ आपके गले में हार भी पहनाएंगे। नहीं सर, वो कोई जरूर बोले, लेकिन अगर काम अच्छा नहीं है क्वालिटी में तो उसी के सेकंड डे हमारा जो प्रोडक्ट, हमारा जो आंदोलन है वो हमारा आंदोलन वो कंटिन्यू रहेगा। मैं आप तमाम पत्रकार भाइयों के माध्यम से अपने शहरवासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोगों की दुआओं से आज इन्होंने काम चालू कर दिया है। अगर काम में कोई भी कमी जाती हुई, इन्होंने 5 से 6 दिन का टाइम दिया रेहान भाई, अगर इन्होंने कुछ भी कमी जाती की तो हमारा जो प्रोटेस्ट है वो पोस्टपोन्ड है, कैंसिल नहीं है, उसे फिर हम लोग हमारे स्टाइल में यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र वाड़ के नेतृत्व में सैयद यशरफ भाई साहब और हमारे तमाम पार्टी के लोग मिलकर के हम लोग यहाँ पे जन आक्रोश आंदोलन करेंगे। मैं आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ। काम क्या आरसीसी वॉल लग रहा है, क्या लग रहा है अभी फिलहाल? तो जो ये लोग फिलहाल बैरिकेडिंग, सॉरी, क्रैश बैरियर, क्रैश बैरियर लगा रहे हैं लोग, ठीक है, उससे मजबूती आ जाएगी, उससे कहीं ना कहीं सेफ्टी हो जाएगी, गाड़ियां नहीं गिरेगी। और सर वो बोर्ड भी लगाने की आपने बात किया है, बोर्ड लाए हैं, लाके रखे हैं, कौन सा बोर्ड है? बोर्ड कम करने वाला बोर्ड, बोर्ड लाके दिखाइए ना, परवीन बोर्ड दिखाओ, बोर्ड लाके दिखाओ। तो आप लोग बोर्ड भी लगाइए, गति स्लो वाला रेडियम लगाइए उसके ऊपर, ये सब काम चालू कीजिए। और क्या, ये जो बाजू में जो पीक्यूसी है, पीक्यूसी से बाजू का जो हिस्सा है जहाँ पर खड्डा हुआ, जहाँ फुटहोल है, उसको भी हम लोग पीक्यूसी से फुल फिल कनेक्ट कर देंगे। मतलब वहाँ पर आने जाने के लिए और भी इनकन्वीनियंस नहीं होगा, मतलब एकदम स्मूथ गाड़ी जाएगी आराम से। बहुत अच्छा, इसको भी हम लोग पूरा इसको पीक्यूसी करेंगे, रेडियम भी लगाएंगे, रेडियम भी लगाएंगे, सब करेंगे। लेकिन करो, करके बताओ उसको, आप लोग करके बता दें। हमारा, हम लोग का मकसद कुछ भी ऐसा नहीं है, रास्ता जाम करो, ब्लॉक करो। मैं शहरवासियों से, अपने मुमरा कौसा के शहरवासियों से कहना चाहता हूं कि अभी फिलहाल हम लोगों ने आज का ये पोस्टपोन किया है, अल्हम्दुलिल्लाह काम स्टार्ट हुआ है, कोई भी कमी रहेगी तो ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा। ऊपर लेके दिखाओ, अभी फिलहाल तो यहाँ का काम चालू हो रहा है। सबसे पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है शानू भाई, ये काम अगर हो जाता है उसके बाद फिर हम लोग एक बार भाई विजिट करेंगे पूरे बाईपास का, और विजिट करके हम लोग ये तय करेंगे और कहाँ कहाँ जरूरत है उसके बाद उसकी भी मांग हम लोग करेंगे। देखिए, अचानक नहीं है, यहाँ पे हमारी पार्टी के अध्यक्ष शमीम खान जी, हमारे रेहान भाई और हमदा जितेंद्र आवाज जी, सभी लोग यहाँ पे फॉलोअप कर रहे थे। इस बाईपास को जब से बना है इसके लिए हमेशा जब भी कोई हादसा हुआ है तब से सबसे पहले एनसीपी शरद पवार साहब की जो पक्ष है वही आगे आया है। हम लोग एक ही बात चाहते हैं, ये काम करें, काम करें, नेशनल हाईवे के नॉर्म्स को पालन करें। जो भी सिक्योरिटी के लिए नेशनल हाईवे में लगता है हम ये कर दे, हम वो कर दे, हमारी कोई मांग नहीं है। नेशनल हाईवे के नॉर्म्स के ऊपर फॉलो करके जो जो सिक्योरिटी के लिए लगता है वो नॉर्म्स को आप फॉलो करके यहाँ पे लाया जाए, क्योंकि वहाँ भी इंसान है, यहाँ भी इंसान है, इसके लिए आप फॉलो करिए। अगर ये नॉर्म्स को आप फॉलो नहीं करके लोगों की जान अगर जाते रही तो हमको परमानेंट ये बाईपास बंद करना पड़ेगा, जिसके लिए आने वाले वक्त के अंदर ट्रैफिक की समस्या काफी हद तक बढ़ सकती है। हम ये नहीं चाहते, इसीलिए बार बार निवेदन के जरिए लोगों को आग्रह करते, आंदोलन के जरिए आगे आग्रह करते। बड़ा हादसा होने से पहले अगर प्रशासन और शासन इसको सीरियसली लेके अपने काम को, नेशनल हाईवे का जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करके ये काम करेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम भाई, असल में वो हटाने की वजह ये थी कि बहुत सारी मुख्तलिफ स्कूल्स हैं यहाँ पर और लोगों को, पेरेंट्स को बहुत तकलीफ होती थी, तो उनका एक मेमोरेंडम आया था कि एटलीस्ट जो दोनों साइड हॉकर लगते हैं एक साइड हॉकर को हटा कर रोड क्लियर कर दिया जाए, फुटपाथ क्लियर कर दिया जाए आने जाने वालों के लिए, कि पेरेंट्स को बच्चों को लाने ले जाने में काफी दिक्कत होती थी। तो वो अल्लाह की तरफ से ये मामले थे, फैसले थे, वो हॉकर्स को लेफ्ट साइड से हटाया गया और 2 दिन के बाद ये हादसा हुआ। अगर वो सारे हॉकर वहां पर होते तो ये दुर्घटना काफी बड़ी कैजुअलिटीज में तब्दील हो जाती थी। और जैसा हम शमीम खान साहब ने, जैसा शाहरुख पठान साहब ने कहा,
कि ये नेशनल हाईवे है, इसके नॉर्म्स है, इसके सेफ्टी नॉर्म्स है, उसको फुलफिल होना ही चाहिए। शासन प्रशासन जो भी है, सारी चीजें सबसे पहले आता है पब्लिक वेलफेयर, सारी बात सारे काम उसके बाद में। हमारे जो सिटीजन है, सिटीजन ऑफ इंडिया, उनकी सेफ्टी से बढ़कर कोई चीज नहीं। तो हमारी सारी हमारी पार्टी, हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब की यही सबसे पहली मांग है, नेशनल सिक्योरिटी, ये हाईवे की सिक्योरिटी, नेशनल हाईवे है, इसके सारे सिक्योरिटी नॉर्म्स फुलफिल किए जाए। अगर रिटर्निंग वॉल आप दिखा सकते, जरा देखिए, अगर रिटर्निंग वॉल वहां पर होती तो ये दो जो लोगों का इंतकाल हुआ, ये इंतकाल नहीं होता, ये कैजुअलिटीज नहीं होती। तो मेरी शासन प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द ये काम पूरा किया जाए, और सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, सिर्फ रशीद कंपाउंड के इस बॉटल नेक पर नहीं, पूरे मुमरा में जहां जहां पर रिटर्निंग वॉल नहीं है, जहां पर लैंडस्लाइड होने का खतरा है, जहां पर ट्रक गिरने का खतरा है, उस हर जगह पर पूरे मुमरा से लेके कोसा तक के सारी जगह पर रिटर्निंग वॉल बनाई जाए और लोगों की, हमारे मुमरा वालों की सिक्योरिटी इंश्योर करी जाए। पहली बात तो ऐसी है कि यहाँ पे जो भी घटना घटी थी वो बड़ी दुखदायक थी, तो वो घटना वापिस घटनी नहीं चाहिए। इसके बारे में शानू पठान साहब और शमीम खान साहब जो भी कुछ अभी जो कार्यकर्ता उपस्थित है, नगर सेवक उपस्थित है, उन्होंने जो उपक्रम अभी चालू किया है ये काम पूरा करने के लिए रैलिंग का, उसके बारे में म्युनिसिपालिटी के संबंधित, महानगर पालिका के संबंधित जो भी कुछ सहकार्य लगेगा वो हम 100% दे देंगे, या हम लोग हम ही देते हैं।